हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल. एज वी वर डिस्कसिंग द थर्ड चैप्टर, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक, एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वन ऑफ द नेचुरल फाइबर, दैट इज़ वूल. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिल्क एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म. आज हम सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिल्क क्या होता है. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सिल्क जो एक नेचुरल फाइबर है जो हमें किससे मिलता है, एनिमल फाइबर है जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. सो सिल्क इज़ अ फाइन, स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क वॉर्म्स. और ये जो होता है ना सिल्क, बहुत ही कॉस्टली होता है. जैसे और सिल्क फाइबर इज़ यूज फॉर वीविंग क्लॉथ्स. तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स होते हैं, जैसे साड़ीज़ वगैरह होती है ना, तो बहुत कॉस्टली होती हैं. फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नीडेड टू रियर सिल्क वॉर्म्स की. अब सिल्क ऑब्टेन करने के लिए हमें सिल्क वॉर्म्स की ज़रूरत होती है. सो द प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड द सेरीकल्चर, कि वो प्रोसेस जिसमें हम सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, उसको सेरीकल्चर बोलते हैं. और ये जो प्रोसेस है सेरीकल्चर, इट इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. और इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है ऑन कॉमर्शियल स्केल. और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क्स भी होते हैं, जैसे टसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क, मलबरी सिल्क. तो इन सब में जो है ना सबसे कॉमन जो सिल्क है वो होता है मलबरी सिल्क. तो बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज नेसेसरी टू नो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ. के सबसे पहले तो हमें सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है. सो देयर आर फोर स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री में फोर स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट होती है एग, सेकेंड होती है लार्वा, थर्ड होती है प्यूपा और फोर्थ होती है एडल्ट. सो इन द फर्स्ट स्टेज द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स ऑन द मलबरी लीव्स. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फीमेल सिल्क वॉर्म एग ले करती है मलबरी लीव्स पे, मलबरी शहतूत के पत्तों पे. देन आती है सेकेंड स्टेज, लार्वल स्टेज, इसको लार्वा बोलते हैं. इट इज़ द स्टेज बिटवीन एग एंड प्यूपा. तो इसमें क्या होता है, सेकेंड स्टेज में द एग्स आर हैच्ड इनटू वेरी स्मॉल लार्वा विद इन अ वीक. एक हफ्ते तक क्या होता है, एग्स हैच होते हैं, उनमें से लार्वा निकलते हैं. और ये जो लार्वा है ना, दे ऑल्सो फीड ऑन द मलबरी लीव्स. मलबरी लीव्स पे फीड करते हैं ये. और क्या होता है, ये जो होते हैं ना लार्वा, दे लुक्स लाइक अ वॉर्म एंड आर कॉल्ड द कैटर पिलर्स. ये वॉर्म की तरह नज़र आते हैं, सेगमेंटेड वॉर्म लाइक बॉडी होती है इनकी, और उनको कैटर पिलर बोलते हैं. नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो ये कैटर पिलर्स है ना, दे ग्रो इन साइज अबाउट 3 inches एंड रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ प्यूपा. इसके बाद क्या होता है, जो कैटरपिलर होता है ना, इट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट सेल्फ. और एक एड की तरह एक शेप बना लेता है ये जो कैटरपिलर होता है ना, खुद को सपोर्ट करने के लिए. और इस टाइम क्या होता है, ड्यूरिंग दीज मोमेंट्स द हेड ऑफ द कैटरपिलर प्रोड्यूसेस द फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन. और इस टाइम जो कैटरपिलर का हेड होता है ना, वो फाइबर प्रोड्यूस करता है जो प्रोटीन से बना होता है. और यही जो फाइबर है, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर बिकम्स हॉट एंड बिकम द सिल्क फाइबर. कि यही जो प्रोटीन, जो फाइबर, जो उसका कैटरपिलर का हेड प्रोड्यूस करता है ना, जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है, हॉट हो जाता है और सिल्क फाइबर बन जाता है. तो तभी क्या होता है, जो कैटरपिलर होता है ना, खुद को कवर कर लेता है इस सिल्क फाइबर से. और इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, कुकून. जिस कवरिंग से पूरा ये खुद को कैटरपिलर कवर कर लेता है, उसको कुकून बोलते हैं. और ये जो कुकून जो है ना, इट एक्ट्स लाइक एन एनवेलप डैट प्रोटेक्ट्स द कैटरपिलर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. यही जो कुकून होता है, ये कैटरपिलर को प्रोटेक्ट करता है, एक एनवेलप की तरह काम करता है ना. इट कंटिन्यूज टू डेवलप इन साइड द कुकून टू फॉर्म सिल्क मॉथ. ये जो कैटरपिलर होता है, इसी कुकून के अंदर ग्रो करता रहता है, डेवलपमेंट होती रहती है इसकी और सिल्क मॉथ बन जाता है. और फिर आती है लास्ट स्टेज. तो उसमें क्या होता है, जो कैटरपिलर होता है ना, विच इज़ कवर्ड बाय द कुकून, इट डेवलप्स टू फॉर्म एन एडल्ट सिल्क मॉथ. और इसकी कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, द कुकून स्प्लिट्स. आपके कुकून जो है वो ब्रेक होता है और उसमें से एक सिल्क मॉथ निकलता है बाहर, एंड देन इट कंप्लीट्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ. ये हो गया लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, जिसकी फोर स्टेजेस थी, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क, के सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है. ऑब्टेन सिल्क, सिल्क वॉर्म्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थेल्ड आर सिल्क फाइबर्स. की जैसे हमने पढ़ा कि सिल्क ऑब्टेन करने के लिए हमें सिल्क वॉर्म्स को पालना होता है, उनके कोकून्स कलेक्ट करने होते हैं और फिर हमें सिल्क फाइबर मिलता है. एंड एज वी नो डैट फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम. की जैसे हमने पढ़ा कि फीमेल सिल्क वॉर्म जो है वो बहुत सारे एग ले करती है. अब इन एग्स को हम क्या करते हैं, केयरफुली स्टोर करते हैं ऑन सम स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर और क्लॉथ, एंड देन सोल्ड टू द सिल्क वॉर्म फार्मर्स. ये जो सिल्क वॉर्म फॉर्मर्स हैं, ये क्या करते हैं, दे कीप्स दीज एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड देन
दीज एग्स आर वार्म्ड अंडर सुटेबल टेम्परेचर की इन जो एग्स को सुटेबल टेम्परेचर के अंडर रखा जाता है, और उसके बाद क्या होता है, ये एग्स हैच होते हैं और इनमें से कैटरपिलर्स जो है वो निकलते हैं। अब ये जो कैटरपिलर्स जो है ना, ये लार्वा जो है ना, दे आर कैप्ट इन द क्लीन बैम्बो ट्रेस एंड ऑल्सो सम स्मॉल पीसेज ऑफ मलबरी लीव्स आर कैप्ट देयर। के मलबरी जो ये लार्वा है ना, इन कैटरपिलर जो है, इनको बैम्बो ट्रेज में रखा जाता है और उनके साथ वहाँ छोटे छोटे मलबरी के लीव्स भी रखे जाते हैं। और फिर क्या होता है, आफ्टर 25 to 30 days जो ये सिल्क वॉर्म जो कैटरपिलर्स होते हैं ना, दे स्टॉप ईटिंग, ये खाना बंद कर देते हैं एंड दे स्टार्ट स्पिनिंग द कुकून, और ये कुकून बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि लाइफ हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि एक कवरिंग होती है कैटरपिलर के ऊपर जो उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब ये कोकून जो होते हैं, जब कैटरपिलर जो है कोकून बनाता है, तो उसके बाद क्या होता है, देन दीज कोकून्स आर कलेक्टेड एंड बॉइल्ड इन वाटर टू किल द इंसेक्ट्स इनसाइड देम। कि इस कोकून को कलेक्ट करके फिर इन कोकून्स को हम बॉइल करते हैं वाटर में, तो उसके बॉइल करने से क्या होता है, उसके अंदर जो इंसेक्ट होता है वो मर जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, देन द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट एंड दिस इज कॉल्ड द रॉ सिल्क। फिर जब उसको बॉइल करते हैं, उसके बाद हमें सिल्क फाइबर जो है वो अलग हो जाता है, तो जिसको हम रॉ सिल्क बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट फाइबर्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज नोन एज रीलिंग द सिल्क। ये जो प्रोसेस है जिससे हम जो फाइबर्स लेते हैं कोकून से, उसको रीलिंग द सिल्क बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, इट इज़ डन इन द मशीन्स, ये मशीन्स में होता है। और उसके बाद क्या होता है, सिल्क फाइबर सेपरेट करने के बाद दे आर स्पन इन टू सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इन टू क्लॉथ बाई वीवर्स लाइक सारीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स। कि उसके बाद फिर वही जो सिल्क फाइबर है उसको हम यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप के ड्रेस बनाते हैं।